सबसे सबसे ज्यादा जोश और खरोश के साथ ईद उल फितर मनाते हुए हमें नजर आते हैं। याद रखिए, ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, ये दोनों ईदें इस्लाम का खास त्यौहार है और इन दोनों त्यौहारों के अंदर जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन खुशियों के साथ मुंसलिक किया हुआ है वो अल्लाह का जिक्र है। हैरान की बात है कि आप दीगर जितनी तहजीबें हैं आप उनको उठाकर देख लीजिए, जब वहां पर खुशी मनाई जाती है तो खुशी मनाने का मतलब होता है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मादर पितर आजाद हो जाना। वो उस खुशी में अपना लिबास उतार देते हैं, वो उस खुशी के अंदर शराब पीकर नशा कर अपने होश और हवास को भी खो बैठते हैं। वो उस खुशी को मनाने के लिए लोगों के साथ खवातीन के साथ इख्तिलाफ भी कर रहे होते हैं और हर वो चीज जो इस्लामी शरीयत के अंदर पाबंदी के साथ मना की गई है, सख्ती के साथ मना की गई है, उसको वो इसलिए वजह ला रहे होते हैं कि आज खुशी का दिन है। अब चाहे वो क्रिसमस डे हो, चाहे वो आपका साल खत्म जब होता है तो आपकी फेस्टिवल नाइट हो या इस किस्म की कोई और फेस्टिवल हो, आप उन तमाम फेस्टिवल्स में देखिए आपको ये चीज नजर आएगी। लेकिन इस्लाम की क्वालिटी ये है, इस्लाम की खसूसियत ये है कि इस्लाम आपको और मुझको जिन खुशियों को फराहम करता है उन तमाम खुशियों के अंदर जहां एक तरफ मुझे और आपको आपस में मोहब्बत प्यार इत्तेफाक और इत्तेहाद से मिलने की तालीम देता है, वहां दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज करार देता है वो अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह की इबादत को करना है। इसीलिए ईद उल फितर में 5 नमाजें वैसी फर्ज होती है जैसे बाकी दिनों में, लेकिन एक इजाफी नमाज मेरे और आपके ऊपर वाजिब कर दी जाती है जो ईद उल फितर की नमाज होती है और उस नमाज को अदा करवाकर इस बात का सबूत दिया जा रहा होता है कि ऐ हमारे रब, हम जो खुशी मना रहे हैं वो तेरी याद से गाफिल होकर नहीं मना रहे, तेरे जिक्र से गाफिल होकर नहीं मना रहे, तुझको भुलाकर नहीं मना रहे, तेरी तालीमात को पसे पुश डालकर नहीं मना रहे, बल्कि पहले अपनी बंदगी का सबूत दे रहे हैं तेरी बारगाह में सरबसजूद होकर और उसके बाद अपने उस दिन का आगाज करेंगे और दीगर मामलात के अंदर मशगूल होंगे। तो गोया पहली चीज ईद उल फितर मनाए वो कि जिसने इबादत की और जिसने इबादत नहीं की आप यकीन माने ईद उल फितर मनाने का शौक ही हासिल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं आपको एक और इससे भी आगे की एक बात बताता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साहबी रसूल हैं कि जिनके बारे में रसूल ने फरमाया था मेरा उमर वो है कि जिस गली से उमर गुजर जाए शैतान उस गली को छोड़ दिया करता है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो मेरे उमर होते। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबा-ए-किराम में कि जब हुजूर ने फरमाया था अबू बकर फिल जन्ना तो उधर ही फरमाया उमर फिल जन्ना। उसके बाद आगे की हदीस है कि उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अशरा मुबशरा सहाबा-ए-किराम में और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आलम यह था कि जब ईद का दिन आया तो एक रोज ईद की नमाज पढ़ाने के अंदर ताखीर का शिकार हो गए, मस्जिद नहीं आ सके, लोग घर चले गए। मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन को क्या हुआ, जब खबर लगी तो पता लगा कि घर में बैठे हुए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। लोगों ने कहा आज तो ईद का दिन है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मुसलमानों की खुशी का दिन है, आप किस बात पर रो रहे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जो इरशाद फरमाया वो मेरे और आपके लिए काबिल तकलीद है। फरमाया खुशियाँ तो वो मनाए जिसको ये यकीन हो कि अल्लाह ने उसकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। उमर को तो पता ही नहीं है, उमर को तो पता ही नहीं है कि अल्लाह ने उसके रमजान की इबादत को कबूल किया या नहीं किया। मैं किस बात पर खुशी मनाऊं, मैं तो रोकर अपने रब को मना रहा हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरी इबादत को कबूल फरमा ले। अब जिसने इबादत उस सतह पर की कि हुजूर उसको दुनिया में जन्नत की होने की बशारत दे रहे हैं, उसकी कैफियत तो यह है कि वो सारी इबादत बजा लाने के बावजूद इस बात पर ईद उल फितर में बैठकर रो रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ने इन इबादत को कबूल भी किया या नहीं किया। तो उस मोमिन का क्या हाल होगा कि जिसने टूटे फूटे रोजे रखे और पता नहीं कितने रखे और कितने नहीं रखे, नमाजें पढ़ी तो टूटी फूटी पड़ी, इबादत की तो टूटी फूटी पड़ी, लेकिन जब ईद का दिन आया तो इस तरह से खुशियाँ मनाई जाती हैं कि गोया इसने सारी फतवाद पढ़ ली है, अब इसके बाद कोई और बात बाकी नहीं रहा। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो इबादत जो मैं और आप रमजान में बजा ला रहे होते हैं, होना ये चाहिए कि खुशी वाले दिन उन इबादत की कसरत की जाए कि अगर मैं और आप रमज़ान में तिलावत कुरान करते थे तो कोशिश करें कि ईद वाले दिन भी एहतमाम किया जाए कि तिलावत कुरान। अगर मैं और आप रमज़ान मुबारक में 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे तो होना ये चाहिए कि ईद वाले दिन भी 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाए। अगर रमज़ान शरीफ के अंदर मैं और आप सदका और खैरात करते थे तो होना ये चाहिए कि ईद वाले दिन भी बढ़ चढ़ कर सदका और खैरात किया जाए। उन तमाम इबादत को इस्तेकामत के साथ ईद वाले रोज बजा लाया जाए जो हम पूरे महीने में करते हैं। अमूमन देखने में आता है कि लोग इस चीज से गाफिल होकर ईद वाले दिन बाद जमात नमाजें पढ़ने के लिए भी मस्जिदों का रुख नहीं कर रहे होते। और जवाब क्या होता है कि हमारे घर मेहमान आ गए या हमें मेहमान बन के किसी के घर जाना था। मेरे भाई मेरे दोस्त, किसी मेहमान की इससे उम्दा मेहमान नवाजी और क्या हो सकती है कि आप अपने साथ उसको भी नमाज में ले जाकर अल्लाह के जिक्र में शामिल कर दें। सबसे अच्छी मेहमान नवाजी किसी मेहमान की ये हो सकती है कि आप उसकी दुनिया के साथ उसकी आखिरत की भलाई का कोई सामान कर दें। लेकिन अफसोस कि हम ईद वाले दिन अपने लोगों की हालत ये देख रहे होते हैं कि गोया वो उसी तरह से आज़ाद हो गए जिस तरह से शैतान की ईद को आज़ाद कर दिया जाता है। तो कोशिश क्या करनी है और फिर रमजान शरीफ की इबादत को ईद के दिन तक भी महदूद नहीं करना, बल्कि जिस तरह हमने इब्तिदाई रमजान में आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि ये बुनियादी तौर के ऊपर एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है जो पूरे माह की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको दी है। और मैंने और आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक कोशिश की है कि इस माह मुबारक में उस ट्रेनिंग को हासिल भी करें। रोजे भी रखने की कोशिश की है, जिक्र अस्कार की भी कोशिश की है, तिलावत कुरान की भी कोशिश की है, तहज्जुद के नवाफिल की भी कोशिश की है, तरावी की भी कोशिश की है। लेकिन याद रखिए ये बेसिकली ट्रेनिंग चल रही है। प्रैक्टिकल तो आपको ईद के बाद मैदान में आना है। अगले तौर के ऊपर तो हमने बाकी की 11 महीने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। आप जरा अंदाजा करें उस खिलाड़ी का जो ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और जब उसको मैदान अमल में उतारा जाए और वहाँ वो दुश्मन के हाथों जेल हो जाए, चाहे वो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो कोई फुटबॉल का खिलाड़ी हो, वो कोई हॉकी का खिलाड़ी हो या कोई पहलवान हो, वो ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छा अंजाम दे और जब उसको मैदान अमल में उतारा जाए वहाँ आकर वो दुश्मन के हाथों चित हो जाए तो याद रखिए सब यही कहते हैं कि नहायत निकम्मा और बेकार किस्म का शख्स था। अगर ट्रेनिंग सेशन के अंदर इसने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे भी दी तो उसका क्या फायदा जब मैदान अमल के अंदर शिकस्त खा गया। बिल्कुल इसी तरह अगर रमजान शरीफ के पूरे महीने ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मैंने और आपने इबादत की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के लायक है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर की है तो याद रखिए ये ट्रेनिंग सेशन था। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आपको ईद के पहले दिन से देनी है और उसके बाद शाबान की वो तारीख आप सुनते रहे, इंशाल्लाह आवाज आती रहेगी। शाबान की वो तारीख जिसको आप शाबान की आखिरी रात कहते हैं, उस वक्त तक अमलन मुझे और आपको इस बात की परफॉर्मेंस देनी है कि जो इस साल मैंने और आपने रमजान शरीफ में ट्रेनिंग हासिल की है उस एक साल का नतीजा अमली सूरत में हमें 11 महीने अमल करके दिखाना है। और अगर मैंने और आपने उन 11 महीनों के अंदर शैतान के तमाम हरबों को फूल कर लिया और मैं और आप शैतान से बार बार उन 11 महीनों में जिद होते रहे, उसके धोखा देने पर नमाज छोड़ दी, उसके धोखा देने पर बदनजरी कर दी, उसके धोखा देने पर हराम खाना शुरू कर दिया, उसके धोखा देने के ऊपर हमने वो तमाम उमूर अंजाम देने शुरू कर दिए जो हम रमजान में नहीं देते थे, तो याद रखिए रमजान की 1 महीने की ट्रेनिंग फिर मैंने और आपने नाउज़ुबिल्लाह ज़ाया कर दी। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, आप एक खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं दुनिया यौम वलना फीहा सवाब, फरमाते कि दुनिया तो एक दिन की है, दुनिया इसकी हकीकत फकत एक दिन की है। फरमाया वलना फीहा सवाब, और मैंने और हमने इस दिन में रोजा रख लिया है। यानी जिस तरह रोजे के अंदर हम गुनाह से बचते हैं, रोजे के अंदर हम खता से बचते हैं, रोजे के अंदर हम बदनजरी करने से बचते हैं, रोजे के अंदर हम फुहश कलामी करने से बचते हैं, रोजे के अंदर हम जिना से बचते हैं, रोजे के अंदर हम शराब नोशी से बचते हैं, रोजे के अंदर हम दीगर गुनाहों से बचते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि खुद को बचाकर उस रोजे को जिक्र अस्कार अल्लाह की याद में गुजारा जाए। तरह सारी जिंदगी खुद को हालत रोजा में समझा करो और ये तसव्वुर किया करो कि अल्लाह हम वक्त मुझे देख रहा है, तो फिर गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा और नेकी करने की जुस्तजू और तौफीक पैदा हो जाएगी। अब आप देखिए 11 महीने के अंदर जो हमारे मामलात हैं और रमजान शरीफ में बिलखुसूस वो कमरा जिसमें प्यार आप तन्हाई में होते हैं, रोजे की हालत में उस कमरे के फ्रिज में अमूमन पानी भी ठंडा मौजूद होता है और रोजे की वजह से प्यास भी लग रही होती है, लेकिन ये क्या वजह होती है कि मैं और आप बढ़ते नहीं है, वहां से पानी निकाल कर पीते भी नहीं, हालांकि कोई भी नहीं देख रहा, कमरा भी अकेला है, फ्रिज भी है, ठंडा पानी भी है, सिर्फ एक उम्मीद ये कासरा करता देख रहा है। अब जरा सोचें उस एक लम्हे खाने और पीने से इसलिए रुक रहे हैं, और खाना पीना भी हलाल का, खाना पीना भी हलाल का, हलाल खाने से इसलिए रुक रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है। ये जब 11 महीने हराम खा रहे होते हो, जब सूद खा रहे होते तो अल्लाह नहीं देखता क्या, जब रिश्वत खा रहे होते तो अल्लाह नहीं देखता क्या, जब दूसरे का माल नाजायज तरीके से खा रहे होते तो अल्लाह नहीं देख रहा होता क्या, जब झूठ बोलकर कारोबार करते हैं और अल्लाह की झूठे कस्में खाकर अपना सौदा बेचते हैं, क्या अल्लाह नहीं देख रहा होता? उधर हलाल का पानी पीने और हलाल का लुकमा खाने में इसलिए डर रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है, रोजा टूट जाएगा। अब 11 महीने हराम का लुकमा खाते हुए इतना भी नहीं सोचा कि अल्लाह भी देख रहा है, 11 महीने हरामकारी करते हुए ये भी नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि रोजे का जो तसव्वुर ट्रेनिंग था मैंने और आपने उसको बिल्कुल भी नहीं समझा। अगर मैं और आप समझते तो मुझे और आपको तो ये तमीज आ जानी चाहिए थी कि हम रोजे के अंदर हलाल चीजों से बच रहे हैं, तो फिर रोजे के अलावा में हमें हराम से भी बचना होगा। लेकिन इसीलिए इमाम गजाली ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। इमाम गजाली ने फरमाया किसी गुनाह को छोटा नहीं समझो, किसी गुनाह को छोटा नहीं समझो। ये जो सगीरा और कबीरा है ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे की जिद के तौर पर बयान किया गया है। आप फरमाते हैं गुनाह की तारीफ है अल्लाह से जंग लड़ना, गुनाह की तारीफ है अल्लाह से जंग लड़ना कि अल्लाह तुम्हें कहे ये काम नहीं करो और तुम कहो मैं करके दिखाऊंगा, अल्लाह तुम्हें मना करे कि बदनजरी नहीं करना, आप कहो मैं तो देखकर दिखाऊंगा, अल्लाह कहे कि सूद नहीं खाना, आप कहो कि सूद के बगैर तो काम ही नहीं चलता, मैं तो पूरा सूद का निजाम चला के दिखाऊंगा, अल्लाह फरमाए रिश्वत नहीं खाना, राशि मुर्तजी किला होगा फिर नाम, आप कहो रिश्वत के बगैर तो सरकारी इदारा चल ही नहीं सकता, अल्लाह मुझे और आपको मना करे झूठ नहीं बोलना, झूठी कसम नहीं खाना, सौदा तो मिल जाएगा, सौदे से बरकत मिल जाएगी, मैं और आपके नहीं थी, मैं तो झूठ बोलकर ही सौदा बेच कर दिखाऊंगा। मेरे भाई मेरे दोस्त ये जितनी बातें हैं ये बुनियादी तौर पे अल्लाह से लड़ना है, अल्लाह से जंग करना है। अल्लाह मुझे और आपको मना करे और मैं और आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ढील बनकर गुनाह करते रहे, तो याद रखिए फिर ना मैंने और आपने रोजे के मकसद को समझा ना रोजे के तसव्वुर को समझा। अगर अल्लाह ने ये तौफीक दे दी है कि इस माह में मैंने और आपने कुछ टूटी फूटी इबादत करके अल्लाह को मनाने की कोशिश की है, तो फिर इसकी लाज रखते हुए बाकी 11 महीने इस माह मुबारक की रोशनी में अपनी जिंदगियों को गुजारें। क्यों? क्योंकि हमारा रब जब 1 महीने की इबादत पर हमसे इतना राजी होता है कि हदीस शरीफ के अंदर आते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब ईद उल फितर की रात आती है यानी रमजान मुकम्मल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निदा होती है कि मैंने अपनी तमाम मखलूक में से जिन लोगों ने मेरा जिक्र किया, रमजान शरीफ का रोजा रखा, इबादत की, आज की रात में उन लोगों की बख्शिश को फरमा दिया है। हदीस शरीफ आते हैं नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पूछा खुदा के रसूल क्या वही शब-ए कदर होती है? हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं वो शब-ए कदर नहीं होती, लेकिन याद रखो मजदूर की मजदूरी उसको जब मिलती है जब काम मुकम्मल कर लेता है, जब रोजेदार पूरे महीने रोजे रखकर अपना काम मुकम्मल करता है तो अल्लाह बख्शिश की सूरत में उसको मजदूरी अदा फरमा देता है। फिर एक दूसरी रिवायत जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद उल फितर की रात आती है और ये बंदा रात को इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है और सुबह मस्जिद के लिए अपने घर से निकलता है, तो हुजूर ने फरमाया फइज़ा काना यौम ईदिहिम यानी यौम फितरिहिम बाअ बिहिम मलाइका, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रोजेदारों के ईद वाले दिन ईद की नमाज पर जाने पर मलाइका के सामने फख्र फरमाया करता है। और फिर इरशाद फरमाता है फकाला या मलाइका दी मा जज़ाउ अजीरन वफ़ा अमलहु, कि उसका क्या अजर होगा जिसने अपनी मजदूरी पूरी की है, कालू रब्बना जज़ाउहु अन तुवफ़ा अजरहु, ये हमारे रब उसका बदल ये होगा कि जितनी उसने मजदूरी की है तो पूरी पूरी उसको जज़ा का फरमा। काला मलाइकाती हबीबी व इमाई कदौ फरीदती अलैहिम, ये याद रखो मेरे मलाइका मेरे बंदों और बंदियों ने मेरे फराइज को आज पूरा किया है। सुम्मा खरजू यऊजूना, और आज नमाजों के लिए निकले हैं शोर मचाते हुए। वो जो हम तकबीर पढ़ रहे होते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह फरमाता है ये शोर मचाते हुए निकले हुए हैं। तो फिर अल्लाह फरमाता है व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, व करमी व उलूवी, मुझे मेरे करम की कसम, उलूवे मरतबत की कसम, व इरफाई मकानी ला उजीबल्लाह, अपनी बुलंदी शान और मकाम की कसम, मैं जरूर व जरूर इनकी दुआओं को आज कबूल फरमाऊंगा। तो यकूलू इरजिऊ कद गफरतु लकुम, और फिर अल्लाह ऐलान फरमाता है ए मेरे बंदो लौट जाओ, मैंने आज के दिन तुम तमाम की बख्शिश का ऐलान फरमा दिया है। हुजूर फरमाते हैं आला फयरजूना मगफूरन लहुम, के सारे नमाजी अपने घरों में बख्शे हुए लौट कर वापस चले जाया करते हैं। ये अजर और सवाब उसके लिए है जिसे एक महीना सिर्फ मुशक्कत की है। जरा सोचे तो जो 11 महीने मुशक्कत करे, 11 महीने अपने रब की तरफ रुजू करे, 11 महीने अल्लाह की इबादत करे और 11 महीने अपने रब को मनाने की कोशिश करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क्या दर्जा अता फरमाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त कोशिश करें ये जो महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको अता फरमाया। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदा, तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। क्यों फरमाया अला मा हदाकुम, कि अल्लाह ने तुमको हिदायत अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। अल्लाह का जिक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें इबादत की तौफीक दी है। अपने रब की बारगाह में पुकार में आजिज़ी का इजहार करो कि मेरे रब तेरे फजल से हमने टूटी फूटी इबादत की है। जब तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करोगे तो उसका बदल ये हुआ करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक भी अता फरमाता है, अमल पर इस्तिकामत भी अता फरमा दिया करता है। तो कोशिश करें ये ईद उल फितर को और ये जो आखिरी 3 रातें इनको जाया न करें। 29वीं शब की लाख रातों में से एक लाख रात है। और मैं ऐसे ही एक बात से आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कोई बिशारत नहीं दे रहा, लेकिन बुजुर्गों की बात तहकीकात के मुताबिक इस साल जो शब कदर की रात है बहुत ज्यादा गुमान है कि वो 29वीं शब की होगी। इसलिए उस काफ रात को जाया नहीं करें, उसमें जुस्तुजू करें, उसको बाजारों में घूमने में ना लगाएं, उसको जुस्तुजू करें, उसमें मजीद जिक्र अस्कार करें, अल्लाह को मनाएं। और फिर जो ईद की चार रात हो उसको बाजारों में जाया करने के बजाय अल्लाह के जिक्र के अंदर गुजारें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के सदके हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए और हमारे आमाल को कबूल फरमाकर हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहक बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अपनी सारी जिंदगी अपनी इबादत के मुताबिक गुजारें।